सर लॉ ऑफ इंडाइसेस और अबे सुनो सुनो, ये ट्रायंगल। जो लोग ज्वाइन वाइन करते हैं ना, ठीक है, एक बार नाम वाम चेक कर लिया करो। कोई बदतमीज नाम से आया करना बताया करो, जाके पुलिस में हम FIR कर देंगे। लास्ट ईयर भी किए थे, ठीक है, क्योंकि मेरा पास तो मेरा तो पेड वर्जन है ना। तुम किस मेल आईडी, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, सब कुछ आता है उसमें, ठीक है। तो जो लोग बकवास नाम वाम से ज्वाइन करते हैं, मैं हिंट दे दिया करो बस, बाकी मैं नहीं पढ़ता, ठीक है। हाँ भाई, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? सर लॉ ऑफ इंडाइसेस और पैस्कल ट्रायंगल पढ़ा था, फिर सर वो इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक कैसे बनाना है? सर फिर हम वही मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़े थे, जैसे x+1 x+2 और x+3 का प्रोडक्ट है, तो कैसे उसको इजियर मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सुनो, ठीक जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये पहले भी देखा था, a³ + b³ + c³ - 3ABC क्या था? a प्लस a बी प्लस प्लस सी इंटू हाफ के साथ क्या सिखाया था मैं, a - b² + बी बी माइनस 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 सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? यस हाँ सर, बोलो। यस सर, यस सर, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आई थिंक ये भी तो बताया ही था कि अगर, पता नहीं, a³ + b³ - 3ABC अगर 0 है, इसका क्या मतलब होगा बताओ? या तो a+b+c 0 होगा, है ना, और या, हेलो गाइस, ये तो बताया था ना, xy=0 का मतलब क्या होता है, x 0 या तो y 0, है ना। यस सर, तो ये 0, अभी ये 0 तो ठीक है। आपको एक और चीज बताई थी, अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर्स इक्वल टू 0 है, दैट मींस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर रियल नंबर इज 0 है, ए इसका और बी मतलब दोनों 0। नहीं रे, a - b 0 होएगा, b - c 0 होएगा, और c - 0 ये होगा ना 0, ये बात समझो क्या? सर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? सर अबे देखो ना, इसमें क्या है, अरे बताया था आपको, a² बताया था, नहीं बताया, पहले कंफर्म करो, हाँ a² + सर b² बताया 0 था, है, ये वाला दैट बताया था इंप्लाइज a₀ b, नहीं बताया था क्या? सर, बताया था। बताया था, हाँ सर ये ठीक बताया। है। तो अभी यहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिखा है, 3 स्क्वायर का सम 0 है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर क्या हो गया, 0 है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर 0 है, इसका क्या मतलब होता है बताओ? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर 0 हो गया ना, तो इसका, अरे यहां पर क्या बोला तुमने, a² + b² 0, इसका मतलब a₀ b₀, यस यहाँ सर, पे अगर ये प्लस ये 0 है, तो ऑब्वियसली इसको 0 होना पड़ेगा ना, इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, समझा यस क्या? सर, ये हटा देते, यस सर, अरे रियल नंबर्स के सम का स्क्वायर, स्क्वायर्स का, रियल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है, इसका मतलब वो सारे रियल नंबर्स कैसे होंगे, 0 होएगा ना, जीरो, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर, तो अपन को ये क्लियर है, अपन को ये क्लियर, इतनी बात समझ में आती है यस सर, भाई, क्लियर है क्या? यस सर, यस सर, कॉपी कॉपी करो।
Done sir. Done sir. Yes sir, done. रब करें. Yes. ठीक है. Next is. मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ. जरा देखना तो सॉल्व कर पाते हो क्या? यस सर, हो गया. कैसे करें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर ए पकड़ लू, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी पकड़ लू, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी पकड़ लू, सर थ्री है आंसर. हाँ, तो क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया ना. अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, इसका मायने मतलब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc equals to 0. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. अरे हेलो, कोई बोल ही रहा भाई, कहाँ है लो क्लास में? रंजल, शशांक किधर हो भाई तुम लोग? सर yes, sir, है भाई. a plus b plus c 0 हुआ ना बेटा, तो a cube plus b cube plus c cube minus 3abc 0 हुआ. अब जवाब दो बे, a cube plus b cube plus c cube भाई कितना हुआ? भाई abc equal to 3 आ गया ना बेटा. Yes, sir. अब क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. हाँ सर, मुझे पहले वाले क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी हमने जीरो क्यों कंसीडर, कैसे कंसीडर किया? अरे इसको जोड़ो ना बेटा, जोड़ो. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. कलास 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 कट गया ना सारा. हाँ सर, चमका गया. हाँ बोल बेटा. सर आपको फर्स्ट वाला एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ, अपन को अपन ने क्या किया, इसको ए पकड़ लिया. यस सर. इसको बी पकड़ लिया, इसको सी पकड़ लिया, छोटा सी. ठीक है, तो इन तीनों का सम कितना आ रहा है? जीरो. जीरो आ रहा है. तो हमने क्या मालूम चला? ए प्लस बी प्लस सी जीरो मालूम चला. ये बात चमकी? हाँ सर. तो अगर बेटा ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या हो जाएगा? जीरो. जीरो होगा ना बेटा. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू कितना होगा? यहां पर a प्लस बी प्लस सी और इनटू बोलो क्या लिखा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस. हेलो. हाँ सर, है ना.
ये तो जीरो हो गया ना बेटा, तो क्या आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी है ना। इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब बाई ए बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री। समझे क्या? हाँ अभी समझ में नहीं आया किसी को, क्लियर है बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में 9xy होना चाहिए ना? क्या बेटा? सर सेकंड क्वेश्चन में 9xy होना चाहिए। हाँ गुड, बढ़िया। सर माइनस वन आ रहा है। हाँ सर माइनस वन। नॉट कंप्लीटली। क्या बेटा? माइनस वन आंसर है। आंसर तो मुझे नहीं पता, लेकिन दो आंसर आने चाहिए थे, एक आंसर आ रहा है, आप लोग कहे दुख की बात है। प्लस माइनस। कम ऑन गाइस, आप लोग बेसिक मिस कर गए हो, कुछ नहीं है। देखो पहली बात तो आप ये समझो क्या लिखा है, 3x³ प्लस बोलो y³ प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 3x इंटू y इंटू 1। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। तो बेटा a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc का मतलब क्या होता है? बस तुम ये सॉल्व करके बैठ गए, दूसरा वाला मतलब कहाँ गया, घर चला गया, आईपीएल खेलने चला गया, 3x equal to y equal to 1 भूल गए। अरे a equal to b equal to c भी है ना एक ऑप्शन की, नहीं है? यस सर। फिर आईपीएल भेज दिया आपने खेलने, क्या उसको, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, टू। यहाँ से आंसर कितना आएगा, टू आएगा ना, और यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, माइनस वन। ये बात चमकती है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, इफ इट इज मंडे, ये आपके लॉजिकल क्लैरिटी को बता देगा मुझे। इट रेन्स, ये मैंने एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, और मैंने बताया आपको बारिश हुई जी, आज मंडे है क्या? नहीं, अरे मतलब हो भी सकता है मंडे और नहीं भी हो सकता। हाँ अगर मंडे है तो बारिश है, बट बारिश है तो मंडे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मंडे नहीं है तो आप बोल सकते हो बारिश नहीं है। नहीं सर, कुछ नहीं कहा गया ना उसके बारे में, मंडे नहीं है तो बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, बारिश हुई तो मंडे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्या चीज फिक्स है? या मंडे है तो मंडे को, मंडे है तो बारिश है, ये बात चमकती है। दिस इज द क्लैरिटी ऑफ मैथ्स जो आपको इंजॉय करना पड़ेगा विदाउट गेटिंग इनटू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑल नॉनसेंसिकल थिंग्स, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, चीजों को जितना सिंपल सिंपल चेंज कर पाओगे ना उतना अच्छा परफॉर्म करोगे नॉलेज वाइज। एग्जाम की बात मैं नहीं करता हूं, जो कुछ सिंपल सिंपल चीजों में ट्रांसफॉर्म करो, ये बात चमकती है। बिल्कुल छोटी छोटी चीज सोचो, आपको पूछना चाहिए था सर आपने एक क्यों पकड़ा, आप सीधा देखना दिस प्लस जीरो है, हाँ मुझे दिख रहा है, लेकिन लास्ट लास्ट में स्टार्ट किया मैंने कि क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। ये बात ध्यान रखना, आईआईटी जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना वो आपकी होती है ऑब्वियसली स्किल, स्किल चाहिए, स्टेमिना, पढ़ाई कितना कर सकते हो, स्ट्रेंथ। यहां पे जो आईआईटी के लिए स्ट्रेंथ चाहिए ना वो आपका शारीरिक स्ट्रेंथ नहीं चाहिए कि हम 5 किलो दूध पिएंगे ना, मेंटल स्ट्रेंथ कि 15 मिनट क्वेश्चन नहीं बना और फिर भी मैं अगले 1 घंटे एग्जाम लिखूंगा, ये मेंटल स्ट्रेंथ होता है। जैसे मेरे साथ हुआ था,
मैं शुरू किया मैथ्स, मेरा पहला पेपर मैथ्स का था 8 बजे था, ठीक है। पहले तो मैं 5 मिनट लेट अंदर गया क्योंकि रूम के बाहर ही बैठा था, कभी और सुनाऊंगा कहानी है, वो भी इंटरेस्टिंग कहानी है। 8:05 हो गया था, पेपर आया मेरा, एक टॉपिक मैथ्स तो बहुत स्ट्रांग था कैलकुलस। 15 मिनट मैं एक क्वेश्चन में बैठे रह गया दोस्त, बना ही नहीं मेरे से, 8:20 हो गया। मैं, मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं पैनिक कर सकता था या मैं सोच सकता था चलो देखते हैं। मैंने आगे देखा, मेरा उस साल 1000 रैंक आया है, ठीक है। ये बात ध्यान रख, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ मतलब मेंटल है यहाँ पे, ये बात चमकती है। यस यस, ठीक है, यस ये बात समझ में आती है। दूसरी चीज जो होती है आपकी स्मार्टनेस, स्मार्टनेस। अब स्मार्टनेस क्या होती है मैथ्स में? मैथ्स की स्मार्टनेस ये होती है, किसी भी एक कॉमन इंसान का माइंड, ठीक है, मैं अगर कहूं ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू डी माइनस बी करने को, वो पागल हो जाएगा। तुम ही नहीं, हर बंदे की, हर एक ह्यूमन माइंड की एक कैपेबिलिटी होगी एल्जेब्रिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को ऑब्जर्व करने की। हो सकता है मेरे को 4 टर्म दोगे मेरे को मल्टीप्लाई करना आसान लगता होगा, जब 6 टर्म दोगे तो मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, 10 टर्म में मैं शायद रोने लगूंगा, तुम शायद 3 टर्म में रोने लगोगे। अब जो बच्चा इनमो क्वालिफाई करते हैं, जो इंडिया में 3-4 दुनिया में 10-15 लोग करते हैं ओलंपियाड के एग्जाम, उनकी एल्जेब्रिकल कॉम्प्लेक्सिटी और दूर तक देख सकते हैं, बट एक टाइम बाद वो भी छोड़ देते हैं, फिर वहां पे कंप्यूटर्स आ जाते हैं। ये बात चमकती है। तो ह्यूमन माइंड आपका जो होता है वो एल्जेब्रिकल कॉम्प्लेक्सिटीज में, सबकी एक लिमिट होती है, सबको अपनी वो लिमिट पता होनी चाहिए कि मेरी एल्जेब्रिकल कॉम्प्लेक्सिटीज मैं यहीं तक हैंडल कर सकता हूं। तो अभी से स्टार्ट कर दो वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना, सिंपल सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना। ये बात चमकती है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो पहली चीज क्या है अपना स्किल जो मैं आपको सिखाऊंगा, नेक्स्ट चीज क्या है आपकी स्ट्रेंथ जो अपने को क्या मेन करती है, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, और क्या बोला मैंने, स्मार्टनेस, स्मार्टनेस, ठीक है, स्टैमिना क्या था, सिटिंग पावर, कितने देर आप पढ़ सकते हो बिना पैनिक किए हुए, ठीक है, सिटिंग पावर, ये 4 चीज चमकती है क्या? यस यस सर, ठीक है। और लास्ट चीज जो होती है वो होती है इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट, ठीक है, जो हर ह्यूमन के पास हमेशा होती है। आप जब बचपन से स्कूल में पढ़ रहे होते हैं आपका इंस्टिंक्ट मार दिया जाता है, आप क्वेश्चन पूछते हो क्लास में कि सर बॉडमर्स रूल क्यों बनाया गया, टीचर कहता है भाई बैठ जा दिमाग खराब है क्या, क्या पूछ रहा है, या मैडम टीचर होंगी यू थिंक योरसेल्फ टू बी वेरी स्मार्ट, आई विल टेक यू टू द प्रिंसिपल, दैट्स व्हाट दैट इज हाउ मैक्सिमम स्कूल्स फंक्शन इन इंडिया। सब लोगों ने लाइफ में एक बार कभी ना कभी फेस किया होगा, जब आप क्वेश्चन पूछने गए होंगे तो आपको डांट पड़ी हुई होगी, अगर अगर मैथ्स का मेल टीचर है तो इंस्टेंटेनियसली डांटा होगा, अगर फीमेल टीचर है तो बेइज्जती करी होगी और प्रिंसिपल के पास जाने की धमकी दी होगी, ठीक है, दैट एवरीबॉडी हैज फेस सम टाइम इन लाइफ। क्वेश्चन पूछने का जो इंस्टिंक्ट होता है ना वो आप लोग का मार दिया जाता है 7 से लेकर 10 में, ठीक है। दिक्कत हम लोग को क्यों होती है पढ़ाने में, हम लोग को वापस से वो जगाना पड़ता है, ठीक है। जितना जल्दी जागेगा आपका उतना जल्दी आपको फायदा होगा, ठीक है, अपने इंस्टिंक्ट को जगाइए, इट विल हेल्प यू। क्वेश्चन एवरीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग, एवरीथिंग। मैं आपसे पूछ दूं ना अभी, आप जिस टेबल पे बैठ, आप जिस, आपके सामने ये जो टेबल, आप जिस टेबल पे बैठे हो उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं लकड़ी के, बताओ तो, लकड़ी का कंटेंट क्या क्या होगा, लकड़ी एलिमेंट तो नहीं है, लकड़ी एलिमेंट है क्या? नो सर। तो बताइए सर, कार्बन, बस कार्बन से लकड़ी बन जाएगी रे, हाइड्रोजन और बहुत कुछ होगा बे। तुम अच्छा तुम अपने कान में ईयरफोन लगाए हुए हो ना, कौन कौन सा एलिमेंट है उसमें, स्पीकर, मैग्नेट, बहुत चीज, मैग्नेट, मैग्नेट एलिमेंट है, अच्छा सर एलिमेंट, अच्छा ओके सर, एलिमेंट ओनली 108, मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको आंसर मालूम हो,
मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको आंसर मालूम करने की कैपेसिटी हो. व्हाई इज स्काई. अच्छा एक बड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आया, मैं वापस से रिपीट ही हो जाएगा ये, एक और बैच में पूछा था मैंने, व्हाई इज स्काई ब्लू, व्हाई इज स्काई ब्लू, फिजिक्स में पढ़ा है. बताओ भाई क्यों, हमको आती है फिजिक्स, तुम बताओ तो. स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से. क्या पूरा ये क्या है, ये क्या आंसर है? शॉर्ट में बताओ. नहीं ना भाई हमको फुल बताओ मुझे. अरे छोटे पार्टिकल्स स्कैटर. तूने एक मिनट कॉपी कर लिया बोर्ड पे लिखा हुआ है? यस सर. चलो लाइट की सर एक सेकंड सर. हाँ सर एक डाउट सर, वो सेकंड एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर. 3x = y = 1 कैसे हुआ? हाँ सर अपने नोट्स का पिछला पेज जाओ. AQ + BQ + CQ - 3ABC = 0 में क्या कंडीशन थी देखो तो. या तो A + B + C0 या तो A - B = 0 B - C = 0 C-. हाँ तो A- हाँ तो उससे क्या है, वहाँ पे एक लाइन लिखी है ना A = B = C. यस सर. हाँ तो आ गया ना फिर. ये क्लियर है? यस सर. कॉपी करो. आपको इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच मिला था? मुझे मैंने लिया था केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे आना था बॉम्बे. उसकी अलग स्टोरी है. मुझे लगा था केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री होती है, क्योंकि हम लोग का टाइम कैसा था कि मेरा IIT दिल्ली था मेरा ये एलोकेशन प्रोग्राम, तो मैं गया था डोंगरा हॉल स्टेज पे. एक बार में 5 बच्चों को जाना होता था, गए थे स्टेज पे. वहां पे सर बैठे थे, उनसे पूछे सर केमिकल में क्या केमिस्ट्री मिलेगी क्या? सर ने कहा हाँ खूब मिलेगी केमिस्ट्री. मैंने भर दिया केमिस्ट्री केमिकल. जब केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने आए तो मालूम चला कि मेरी दुश्मन थी उसमें सिर्फ फिजिक्स. ठीक है सिर्फ फिजिक्स थी केमिकल इंजीनियरिंग में, सिर्फ फिजिक्स. परेशान होकर रह गया मैं. सर आप पास है? पास क्यों नहीं होगा मैं. पास क्यों नहीं होगा भाई, पागल हो गया. पास ही क्यों नहीं होगा, अच्छे मार्क्स से पास होगा भाई. फर्स्ट क्लास 72% से पास हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उसका क्या थोड़ी ना होता है. अरे फिजिक्स नहीं आने का मतलब, जब मैं IIT दिया था जिस साल ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो मेरे मैथ्स में थे 34, केमिस्ट्री में थे 32 या 33 और फिजिक्स में थे 44. समझ रहे हो, मुझे फिजिक्स पसंद नहीं थी. ऐसा नहीं है मुझे फिजिक्स में क्वेश्चन बन नहीं पाते थे, ऐसा भी नहीं है. मेरे फेस में मेन दिक्कत क्या थी कि किसी ने ढंग से समझाया नहीं था कि चीजों को कैसे देखना होता है. ठीक है इतना क्लियर है क्या अभी? रब करें? हाँ सर. यस सर. ठीक है तो उतना तो इंडिया में अपन ट्रेन रहते ही हैं भाई. ये बताओ तुम में से कितने लोग को SST बहुत पसंद है? 5% होगा. हाँ अब तो लेकिन क्या बाकी 95% फेल हो जाते हैं? नया जानने पसंद है बस. सब 99 लाते हैं. ये तो यही तो इंडियन एजुकेशन का फायदा है, जो नहीं पसंद है वो भी डरते पढ़ते हैं पेरेंट्स के डर से. सिंपल सी बात है, मुझे क्यों मालूम होना चाहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त कौन सा टैक्स किसके नाम पे लगा था? व्हाई शुड आई नो? डज इट मैटर? I don't think it matters. अपनी पढ़ाई का सिस्टम भी डिफरेंट है यार, छोड़ो. लॉजिकल नहीं है, मतलब मुझे बहुत सारी चीजें लॉजिकल लगती हैं कि याद करना ही कोई चीज क्यों है यार. एनीवेज हाँ तो हम लोग स्कैटरिंग पे थे दोस्त. बताओ स्कैटरिंग का फंडा, बताओ कंसेप्ट.
सर एटमॉस्फेयर में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू वायलेट और इंडिगो को स्कैटर करते हैं तो इसलिए होता है। ओ भाई हेलो, ये व्हाइट आया और वो स्कैटर हुआ सात रंगों में। यस सर। किसमें से स्कैटर हुआ? होता सारा स्कैटर है, ये किसने कहा? दो ही होते हैं, विब ग्योर। हाँ अब बताओ, सारे स्कैटर हुए, अब बताओ। सर विब ग्योर उल्टा होता है। ठीक है, मैं लिखने के उसे लिखाता, मुझे अंतर नहीं पड़ता। हाँ बोलो, अब क्या हो गया? तो हमें ब्लू क्यों दिख रहा है? सर पार्टिकल का साइज छोटा है, इसकी वजह से उसने ब्लू और मतलब वायलेट और इंडिगो को दोनों को बहुत ज्यादा स्कैटर किया है। हेलो बॉस। सर वो पार्टिकल सारे कलर्स अब्सॉर्ब कर लेता है एक्सेप्ट ब्लू। नहीं नहीं नहीं, टोटली एब्सर्ड, टोटली एब्सर्ड। स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल नहीं, वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। हाँ बोलो सर। वायलेट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। सबसे कम रहता है वायलेट, कम रहता है वायलेट का, सबसे कम रहता है। भाई मेरा क्वेश्चन ही एक है, अगर वेवलेंथ पे स्कैटरिंग डिपेंड करती है तो मुझे नहीं याद रेड का है ज्यादा कि वायलेट का ज्यादा है, मुझे नहीं मालूम, मुझे मानना भी नहीं है। मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि स्काई या तो लाल दिखे या तो वायलेट दिखे, ब्लू कहां से दिख रही है? भाई आप अगर वेवलेंथ पे बोल रहे हो सकता है रेड का ज्यादा हो सकता है वायलेट का ज्यादा, मुझे नहीं मालूम, मुझे जानना भी नहीं है। आपका कॉमन सेंस ये नहीं कहता कि कुछ तो पैटर्न फॉलो होगा, या तो रेड बचेगा या तो वायलेट बचेगी, ब्लू कहां से आ गया? हेलो किस क्लास में पढ़ते हो? हेलो सर। नेट गया, अब नेट गया क्या मेरा? सर सुनो सर, आवाज आ रही है। किस क्लास में पढ़ते हैं ये चीज, हम स्कैटरिंग वाली चीज? सर 10th में। स्काई इज ब्लू किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में पढ़ते हो, बताओ बताओ। सर ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए मतलब ज्यादा स्प्रेड होती है वायलेट और इंडिगो से। तुम ये कह रहे हो कि ब्लू की फ्रीक्वेंसी रेड और वायलेट से ज्यादा या कम होती है, ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड, रेड का लॉन्गेस्ट रेड का। तो अगर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट, वायलेट, वायलेट। अगर ये वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा फॉलो करती है ना? यस सर। एनीवेज हाउसोएवर व्हाटसोएवर एनीसोएवर हुमसोएवर जोसोएवर कहना कह लो, फंडा तो सिंपल सी बात है कि लैम्डा घट रहा है, तो या तो वायलेट दिखे इसके स्काई या तो रेड दिखे, ब्लू क्या दिख रहा है भाई? सर आप ही बता दो, हमें नहीं मालूम, तुम बताओ, तुमने क्या पढ़ा 10th तक? पता था वो बता दिया जो 10th में, मैं तब बताऊंगा जो तुम, जब तुम मुझे 10th में जो पढ़ाया गया है उसका एग्जैक्ट आंसर दोगे तब। मुझे ये मालूम है 10th तक, मुझे ये मालूम है 10th तक हमें आधा गलत पढ़ाया जाता है, लेकिन जो आधा गलत पढ़ाया गया है वो बताओ मुझे, फिर मैं सही बताऊंगा। सर हमको तो यही पढ़ा है कि छोटे पार्टिकल्स वायलेट के तरफ जो कलर्स हैं उनको स्कैटर करते हैं। किसने पढ़ाया? किसने पढ़ाया?
स्कूल में पढ़ाया है, रेज्यूमे पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया है? बुक में, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में क्या लिखा है बताओ सर? When the sunlight passes through the atmosphere, the small particles present in the atmosphere scatter the light of shorter wavelength more. This light reaches our eyes and blue color reaches our eyes and that is why the sky appears blue in color. ये NCERT का आंसर है? Yes sir. ठीक है, गलती है. सुनो, आपका जो जहां तक लिखा है वहां तक सही है, कंप्लीटली नहीं बताया. क्या बताया एनसीईआरटी ने? शॉर्टर वेवलेंथ. हेलो गाइस, शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, मोर स्कैटरिंग, मोर स्कैटरिंग, परफेक्ट. ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है? वायलेट. वायलेट है, इंडिगो है, फिर उसके ऊपर ब्लू है ना. सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी हुई है? वायलेट. वायलेट, वायलेट की हुई है. उसके ऊपर किसकी हुई है? इंडिगो की हुई है. ब्लू उसके ऊपर हुई है. यहां तक क्लियर है क्या? तो जहां तक एनसीईआरटी ने लिखा है ना वहां तक सही है. अब आती है हमारी आंख, हमारी आंख. ठीक है, एक्चुअल में स्काई जो होता है ना, एक्चुअल में देखा जाए अगर, तो वायलेट और इंडिगो ही होता है. हमारी आई जो होती है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही कैप्चर करती है, ये बात चमकती है. तो यहां से इन दोनों की भी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हुई है. स्काई है वही. देखो ऐसा तो नहीं होगा कि स्काई में, जो मान लो कि ये स्काई है, ठीक है, तो स्काई में कैसा होगा? वायलेट कलर भी होंगे, इंडिगो भी होगा, ब्लू भी होगा, ग्रीन भी होगा, सारे कलर्स प्रेजेंट है स्काई में, ये बात चमकती है. सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है? वायलेट. लेकिन हमारी आई को वायलेट परसेप्शन नहीं हो पाता है, हमारी आई को इंडिगो परसेप्शन नहीं हो पाता है. उसके बाद सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है? ब्लू. ब्लू, और ब्लू, ब्लू हमारे आई के परसेप्टिबल रेंज में आती है. मैं इसका आपको एक लिंक भेज दूंगा क्लास के बाद, पढ़ लेना. ठीक है, देयर लॉट्स ऑफ फिनोमिनाज जो आपने कभी पढ़ा नहीं ध्यान से. अब मुझे एक चीज बताओ, पूछू? हाँ सर. हाँ सर पूछो. एनसीईआरटी में लिखा है? हाँ सर. एनसीईआरटी में ये ऑर्डर भी लिखा हुआ है कि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है. ठीक है, तो आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि सर सबसे ज्यादा तो वायलेट स्कैटर कर रहा है, तो आसमान वायलेट क्यों नहीं दिख रहा? आपको पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था, बताओ? सर ये रेजो में बताया था पर याद नहीं आया था, तभी आपने जब पूछा. रेजो में ये बताया था, आंख वाला बताया था. हाँ, कि ब्लू लाइट मतलब ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, परसिस्ट करती है आईज पर, और इंडिगो और वायलेट मतलब ज्यादा दिखते नहीं, इसलिए उसका नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में ये चीज है और ये चीज है. ठीक है, आपको इसका मिक्सचर पता होना चाहिए ना, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए. ठीक है, तो लर्न टू क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ठीक है, ये बात समझ में आती है? यस सर. वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन वर्ल्ड फॉर टीचिंग फिजिक्स, रिचर्ड फेमेन. उसकी बुक्स फिजिक्स की बहुत फेमस हैं, अंडरग्रेड लेवल की अच्छी बुक्स होती हैं, बट अभी कैसा है इंडिया में स्कूल है, कोचिंग है, तो लोग पढ़ नहीं पाते. ठीक है, ही हैड वेरी गुड, मतलब 60s में ही वाज टीचिंग एट MITs एंड US यूनिवर्सिटीज. उसकी एक लाइन थी, इफ यू कांट एक्सप्लेन समथिंग टू अ लेमैन ऑन द रोड देन यू डोंट अंडरस्टैंड दैट टॉपिक. मैं कह रहा हूं आप रोड पे एक बच्चे को वेवलेंथ समझा सकते हो, वेवलेंथ क्या होती है? नो सर. कैन यू एक्सप्लेन? कैसे बताओ? ध्यान देना, रोड पे बंदे वो साइंस नहीं है, आर्ट बैकग्राउंड का है, वेवलेंथ कैसे समझाओगे? सर लाइट वेव होती है. और अरे बंदे को साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, अभी तेरी मम्मी मान ले हिस्ट्री पढ़ी है, उसको क्या ही मतलब लाइट वेव होती है निकलती है. व्हाट इज वेवलेंथ? व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और नोडी.
How would I explain to a person of non-art background? ठीक है? Always think. जब तुमको चीज उतने अच्छे समझ में आ जाएगी ना, तो तुमको टॉपिक समझ में आ गया। जब तुम किसी को जो कुछ नहीं आता है, आर्ट्स बैकग्राउंड का है, तो पूछे नहीं क्यों? देखो यार, ऐसा है कि मतलब मैं तो आपको एक चीज बता रहा था, ठीक है, कि आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात है। वो पूछ नहीं रहा है, आप उसको समझा रहे हो, आप उसको समझा रहे हो, ठीक है। मेरा फंडा बस इतना था कि इफ यू से कि आई नो दिस टॉपिक, देन यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन टू एनी पर्सन ऑफ एनी क्लास। एटलीस्ट दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ व्हाट एवर यू आर टीचिंग till your level. I'm not saying कि आप PhD करके टॉपिक समझाने हो, आपको चीजों को बिल्कुल सिंपल लेवल पे समझाने आना चाहिए, मैं ये कह रहा था, ठीक है। Anyways, अभी अपन ने एक ही वाले questions किए हैं थोड़े बहुत, ठीक है। Hello? Yes sir. Yes sir. इसके तो इसके पहले अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, वो था 4 डिग्री पॉलीनोमियल तक आपने ये दिया था, मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई करना। यस सर, हां सर, मल्टीप्लाई करना है ना, तो आज मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होता है? फैक्टर्स फॉर्म करना, डिवीजन, ठीक है। देखो, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को डिवाइड करना है एक्स प्लस वन से। ऑब्वियसली तुमको करने आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियसली तुमको करने आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है, आपको डिवाइड करना है इससे। और अगर सीधा रिमाइंडर की बात करें तो वो भी निकाल सकते, बट मैं तो फिलहाल डिवाइड करना चाहता हूँ लॉन्ग डिविजन। एक तरीका क्या मालूम है आपको? What is one way which you know already? Long division method. एक तरीका तुमको मालूम है, long division. आता है तरीका? Yes. मैं आपको different तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। ये start यही से होगा, सोचना जरा। जब तुम divide करते हो तो यहाँ पे क्या आता है? Quotient आता है ना? Yes, हाँ, अगर लीनियर डिवाइजर है तो क्वोशेंट कैसा आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्वाड्रेटिक, 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 क्वाड्रेटिक आएगा। हाँ सर, ठीक है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं x स्क्वायर लिख दिया पहले ही और यहाँ पर x प्लस वन लिख दिया, ये बात चमकती है? आप बस समझो, आपको समझ में थोड़ी देर बाद आएगा। मैंने यहां तक क्या एडजस्ट कर दिया है इस टर्म को, इसी चीज को, मैं सुनो, मैं इस चीज को ही फैक्टराइज कर रहा हूं, ध्यान देना। तो मेरा x क्यूब था ना, x स्क्वायर इंटू x कितना होता है? x क्यूब, x क्यूब, x क्यूब, x क्यूब हो गया। अभी मेरे को 6x स्क्वायर चाहिए ना, मेरे को 6x स्क्वायर चाहिए, मेरा कितना x स्क्वायर है? 1 x स्क्वायर। कितना और चाहिए? 5 मैं 5x दिया, समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। अभी अगला हाई पावर कौन सा है? 6 11 5 11 11 ये देखना 5x यहाँ पर 6 आएगा, ये बात चमकती है? यस सर। कांस्टेंट खुद को खुद एडजस्ट हो गया ना? हाँ सर। तो क्या आ गया बताओ? x + 1 5x + 6। ऐसा नहीं है जो लोग ऐसे करते हैं उनका आईआईटी नहीं होता है, होता है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सीख सकते हैं, टाइम है, अप्रैल का मौका है, दिक्कत क्या है? इतना क्लियर है क्या? यस सर। और करते हैं ना, और करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई करो एंजॉय करने का। x माइनस वन को से डिवाइड करिए, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। मैं दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखना। पहला स्टेप क्या करूंगा मैं, x माइनस वन लिख दिया, ध्यान देना। पहले मैंने क्या लिख दिया? x माइनस वन। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? x क्यूब। अच्छा, आपको ये समझ में आता है
कि सरप्राइज करने का मतलब क्या होता है, इसको इसको मल्टीप्लाई करने पे बनना चाहिए, इसके बाद समझ में आती है। हाँ सर। यस सर। तो x माइनस वन है, मेरे को x क्यूब मांगता है, मैं तो क्या लगाऊंगा, मैं बताओ। x स्क्वायर। x स्क्वायर। x स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा x क्यूब बन गया ना, मेरे को भी क्या चाहिए बताओ, कितना x स्क्वायर है माइनस फाइव एक्स। माइनस फाइव एक्स। माइनस फाइव एक्स है ना सर, प्लस अभी कर 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 मल्टीप्लाई कर बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। अभी कितना एक्स बन गया, फाइव एक्स बन गया ना, इलेवन एक्स है ना यहाँ पे, यहाँ पर इलेवन एक्स है ना, यहाँ पे माइनस फाइव एक्स इंटू माइनस वन क्या बन गया, प्लस फाइव एक्स। क्या चाहिए आपको यहाँ पे, प्लस सिक्स एक्स। सिक्स इंटू माइनस वन कितना है, माइनस सिक्स, वो तो ऑटोमेटिकली बन गया ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो क्या आ गया बताओ, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, कितना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सर पर पहले हमें वैसे वो रिमाइंडर थ्योरम से x की वैल्यू वन डाल के चेक तो करना पड़ेगा ना कि वो फैक्टर है भी। वो बात मैं तो बोल नहीं रहा फैक्टर निकालने की बात, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो डिवाइड करने की बात बोल रहा हूँ, मैं फैक्टर की बात नहीं बोल रहा बेटा। देखना समझना, मैं क्या मैं कह रहा हूँ ये देख। अरे क्या, अरे हल्ला मत सुनना, ध्यान हल्ला मत, मैं तुम अच्छा तुमको ये दिख रहा है, हर बार ऐसा हो रहा है ना, चलो ये देखते हैं। हाँ चलो, डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस वन से, कैसे करें बताओ, एक्स प्लस वन टू एक्स स्क्वायर। टू एक्स स्क्वायर चमका, प्लस बोल फोर एक्स। फोर एक्स। फोर एक्स। क्यों फोर एक्स, क्यों फोर एक्स सर, वो टू एक्स स्क्वायर उससे माइनस हो गया, फोर एक्स स्क्वायर ऐड करके सिक्स एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स प्लस वन बोलो आगे, माइनस माइनस वन। माइनस वन चमकता है। यस सर। अभी क्या बचेगा इधर को, क्या आया, प्लस टू। प्लस टू समझे, हाँ समझा क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फैक्टराइज करना, मैं तो लॉन्ग डिवीजन सिखा रहा हूँ आपको चमका। यस सर। अभी टू जीरो आना है तो जीरो आ जाए, नहीं आना है ना है, ये बात चमकती है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. See, I am not saying this is very easy. Today we have studying, आज हम दो चीज पढ़ रहे हैं, मतलब I think आपके बैच में हुआ है ना, दूसरे में दूसरा इनर्शिया हुआ है। हाँ देखो यार, मतलब आपकी इनर्शिया है अंदर से कि यार आपको दिक्कत आएगी सर, हम क्यों करें ये, आपका बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन, हम क्यों करें ये, इससे इसको डिवाइड करो, बताओ कैसे करें बताओ। थोड़ा सिंपल ले लेते हैं पहले, चलो बोलो। अरे यार हाँ बोलो, कर लेंगे, सबसे पहले क्या आएगा बताओ, एक्स क्यूब। अभी मेरे को क्या चाहिए अगले टर्म में, प्लस टू एक्स स्क्वायर। माइनस टू एक्स क्यूब ना, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ तो एक्स क्यूब है ही नहीं है, क्या करना पड़ेगा मेरे को, प्लस टू एक्स स्क्वायर चमका। फिर बताओ एक्स माइनस टू क्या आ गया, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, चमक रहा है। फिर बोलो प्लस थर्टीन प्लस थर्टीन एक्स। हाँ एक्स माइनस टू एक और आएगा ना यहाँ पर, कितना आ रहा है प्लस थर्टीन, और यहाँ पे कितना आया प्लस ट्वेंटी सेवन। प्लस ट्वेंटी सेवन। ट्वेंटी सेवन चमका, क्या बन गया आपका x क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन इंटू
एक्स माइनस टू प्लस 27, ये बात चमकी क्या? यस सर, यस सर। सर बोलो सर, वो सेकंड वाला स्टेप आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, वो 2x स्क्वायर वाला? यहाँ पर कि यहाँ पर? सर वहां पर फोर्थ वाले में। यहाँ पर कितना x क्यूब बन गया? माइनस टू एक्स क्यूब। यहाँ पे x क्यूब है क्या? नहीं सर। तो उसको जीरो होना चाहिए। तो x माइनस टू में अगला पावर 2x स्क्वायर डालने से क्या हुआ? 2x स्क्वायर इंटू x क्या बन जाएगा? 2x क्यूब। ये और ये आपस में मिलके क्या बन जाएंगे? अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गए ना, क्या बन जाएंगे? जीरो बन जाएंगे ना भाई। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। सर ये स्कूल में क्यों नहीं सिखाते? सर हमें सिखाया था ये ट्यूशन में। ट्यूशन में बट स्कूल में नहीं सिखाते ना। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। रैप करे? यस सर। यस। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक्स और हायर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो आपका रिमाइंडर थ्योरम यहां पे बहुत ज्यादा यूज आता है, इसको फैक्टराइज करना है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्या करना है इसको? फैक्टराइज। ठीक है, आपके जेई सिलेबस में कैसे होता है, आप फैक्टर थ्योरम से पहले चेक करते हो, फैक्टर थ्योरम से चेक करते हो कि x माइनस वन मतलब प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, इन वर्स्ट केस प्लस माइनस थ्री, ये सब रूट्स हैं कि नहीं है। आपके सिलेबस में उससे ज्यादा बड़ा चेक नहीं करना पड़ेगा। पहले आप प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री पे चेक कर लेते हो हमेशा। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्या चेक करेंगे इससे? अपन रिमाइंडर चेक करना होता है ना, रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी मैंने फैक्टर थ्योरम लिखा है मैं, मतलब वही। हाँ ठीक है, सॉरी, वैल्यूज पुट करके अगर रिमाइंडर जीरो आया तभी वो फैक्टर हो जाएगा। हाँ, तो अभी चलो x इज इक्वल टू माइनस वन डालते हैं इसमें, कितना आ रहा है? जीरो। माइनस वन प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स इक्वल टू, है ना? इसका मतलब x प्लस वन इन इज फैक्टर। नाउ वेट, नाउ वेट, डोंट चेक फर्दर। एक फैक्टर आ गया ना, अब इसको यूज करके इसको फैक्टराइज कर दो। क्या होगा फैक्टराइजेशन? एक्स स्क्वायर आएगा
प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे कितना आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा बताओ 5x प्लस एक्स प्लस वन, बोलो भाई यहाँ पे कितना है 5x, यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ से क्लियर है? Yes, sir. तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वन। अब ये क्या है क्वाड्रेटिक है ना, ये आपको फैक्टराइज करने आना चाहिए खुद से, ये बात चमकती है क्या, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्यूबिक के फैक्टराइजेशन में आपको पैनिक नहीं करना है, आपको प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री का तुक्का लगाना है, जो सही बैठ गया उसके रिस्पेक्ट में फैक्टराइज कर दो, ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चेक करो कोई है क्या फैक्टर, देखो तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन पर चेक करो, वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस एटीन, माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस एटीन है क्या, नहीं है ना, चेक करो किस पे जीरो हो रहा है बताओ, हेलो अरे कोई फैक्टर बना कि नहीं बना, नेट गया क्या? हेलो सर कर रहा हूँ अभी। अच्छा नहीं बना, अरे x इक्वल टू थ्री पढ़ा लो क्या बन रहा है x इक्वल थ्री पे। यस सर हो गया सर, x इक्वल थ्री 27 माइनस 18 प्लस 9 माइनस 18 जीरो आ गया ना, इसका मतलब x माइनस थ्री फैक्टर, क्लियर है? अब इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे बताओ, x माइनस थ्री लिख दिया, अब बोलो x क्यूब है ना, क्या आएगा यहाँ पर x स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखा है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स क्या आएगा प्लस वन एक्स प्लस एक्स है ना, अभी बताओ x माइनस थ्री बोलो क्या आएगा प्लस सिक्स प्लस सिक्स क्या हो गया फैक्टराइज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस थ्री चमका गया। अरे ये बात समझ में आती है क्या? यस सर यस सर यस सर यस सर यहाँ तक क्लियर है? यस सर यस सर फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा ना, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है ना।
कॉपी कर लिए? यस सर। अरे रेहान पावर बैंक देना प्लीज, रब करो इसको। यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में अपन एक और बात किए थे, उस पे क्वेश्चंस नहीं किए थे, उस पे क्वेश्चंस करते हैं। आपको याद है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बताया था मैंने? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, बताओ क्या होगा आंसर, बोलो क्या आएगा आंसर। सर 2 - √2। 2 - √2। बाकी लोगों को समझ में आया क्या क्यों आएगा 2 - √2? नहीं सर। यस सर। हमने लास्ट क्लास में बताया था ना आपको। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर √2 - 2 में ये तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 2 - √2 होगा ना। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू ना। एब्सोल्यूट -5 क्या होगा? 5। एब्सोल्यूट √3 - 2 क्या होगा? 2 - √3। ये बात चमकती है। अच्छा मतलब सर ओवरऑल आंसर फाइनल आंसर पॉजिटिव रहेगा। बस ये सही पकड़े हो। ओके सर। ठीक है 1/3 - 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ? 1/2 - 1/3। ठीक है चलो 2√2 - 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 3 - 2√2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3 - √2। चलो अब आप पे फेंकते हैं बाउंसर। क्या होगा? π - √2। कौन बड़ा होता है सर? पाई। पाई। पाई क्या? पाई कितना होता है सर? 22/7 - पाई। पाई कितना होता है बताओ? पहली बात तो पाई और पहली बात तो किसी ने जीरो नहीं बोला, मुझे बहुत खुशी हुई, बट आश्चर्य लगा कि मतलब कोई गलत आंसर बोलने को तैयार नहीं था। पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, पहली बात ध्यान रखो, है ना। पाई कितना होता है? पाई जो इरेशनल नंबर कितना होता है बताओ? 3.14 1428 57 बार। और 22/7 कितना होता है? 3.14285 टाइप से, है ना। और पाई की वैल्यू कितनी होती है सर? 3.14159 हाँ। तो क्या मालूम चला कौन बड़ा है कौन छोटा है? 22/7 पाई से बड़ा होता है। क्या आंसर आएगा इसका? 22/7 - 5। ये बात समझ में आती है क्या? अरे बात समझ में आती नहीं आती है? हाँ सर। यस सर। लग नहीं रहा, समझ में आया कि नहीं आया ये? यस। लो कॉपी करो उसको। हो गया। कॉपी करो पहले अच्छे से।
कॉपी कर लिए? यस सर। यस ठीक है चलो तो मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं इंटरेस्टिंग, कंपैरिजंस। कंपैरिजंस कंपैरिजंस आप मुझे बताओ, 3 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/4 कौन बड़ा है, कैसे बताओगे? सर 4 की पावर 1/4 बड़ा है। पता नहीं, नहीं पता मुझे, मुझे नहीं पता। आपको पता है बड़ी बात है, बट कैसे पता है? हाउ डू वी चेक दिस? एक होता है मेथड ऑफ एजम्पशन, मेथड ऑफ एजम्पशन, ठीक है। कंपैरिजन हमेशा इंटीजर्स में करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या है, मैं मान लूंगा कि ये इससे बड़ा है, मैंने क्या मान लिया, ये इससे बड़ा है, ठीक है। यस सर। अभी दोनों को किस पावर से रेस करूं कि दोनों साइड इंटीजर रह जाए? सर पहले को क्यूब से और दूसरे को टू द पावर। अरे दोनों को अलग अलग पावर थोड़ी कर सकता, दोनों को सेम पावर करेगा ना। ओके ओके। फिर इनइक्वालिटी कैसे मेंटेन करेगा? यस सर। क्या है बताओ, 3 की पावर 4 बड़ा देन 4 क्यूब। तुमका हाँ सर, 4 क्यूब कितना होता है? 64। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। तो कौन बड़ा है? 3 to the power 1/3। चमका तो डोंट जंप, 11/12 और 12/13 में कौन बड़ा है बताओ? डोंट ट्राई टू फाइंड विद डेसिमल्स, फाइंड विद इंटीजर्स। कैसे करोगे बोलो? मान लो तुम्हें जो मानना है मान लो बड़ा है, चलो मैंने ये मान लिया, अरे मानूंगा तो क्या होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो बोलो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करें कितना? सर 156 से मल्टीप्लाई करते हैं। 156 काहे मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो यहां से क्रॉस, मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा मैं। 11 कितना होता है? 143 बड़ा देन 144, फॉल्स है ना? यस सर। हां दैट इंप्लाइज 11/12 इज लेस देन, ये बात चमकती है? यस। When you are trying to compare between two things which are very close, it is better advisable not to go with decimals and all. Always go with the method of integers. Assumptions. Method of integers. Assumptions. कि कैसे करना है? ये बात clear है क्या? Yes sir. ठीक है. अब ऐसे मान लो, एक और दिखाता हूँ तुमको. I hope question बन जाए. 5 + 2√3 और I need something else ना, 5 + 2√3 4 + 3√2 डायरेक्टली इजिली निकाल सकते हैं क्या? ये देखो तो 3 × 1.414 कितना हो जाएगा, 44 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 1.732 तो 1.73 × 2 कितना होगा? 17 34 3 40 8.4। दोनों बहुत पास पास के नंबर आ रहे हैं, ये बात दिख रही है क्या? मैं क्या फंसाया आपको? नहीं, पास पास के नंबर नहीं है ना, 1.414। हाँ 34 42 सही है। अरे इतना क्लियर है क्या? सर इसको इंटीजर्स कैसे करेंगे? बता रहा हूँ मैं, पहले आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बताओ कितनी लग रही है दोनों की। 5 + 2 × देखो मैंने क्वेश्चन अच्छा बना नहीं पाया, ठीक है। 4.3 × 1 क्या होता है ये? 1.41 √2 कितना होता है? 1.414 तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, 3 कितना आ रहा है, 34 42 तो 4.2 के आसपास आ रहा है ये, है ना, विच इज ऑलमोस्ट 8.2। सर रूट थ्री 1.73 होता है। हाँ हाँ 1.73 है, कितना आ रहा है सर? 8.46 आ रहा है, 8.4 के आसपास आ रहा है ना? नहीं सर, 3.46 आ रहा है, तो 8.46 ऑलमोस्ट हम बता पा रहे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट दूर, काफी दूर है, ठीक है।
मैं अच्छा क्वेश्चन नहीं बना पाया इसलिए। उसमें भी कैसा होता है कि आप किसी एक को मान के फिर स्क्वायर करने बैठ जाते हैं। इसको स्क्वायर करके देखो ना, स्क्वायर कर करके क्या हो रहा है देखो, कैसे मानोगे बोलो बोलो। ये क्वेश्चन अच्छा नहीं बना है बट कोई बात नहीं। हाँ बोलो, मान लो ना, ये मान लिया, यहां तक क्लियर है? आपने चेंज किया क्या सेकंड में? नहीं 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 सर, टू रूट थ्री किया आपने। मैंने गलत लिखा है, ठीक है ये मान लिया मैंने, इतना क्लियर है सर? यस यस। अभी स्क्वायरिंग करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ये बात चमकती है क्या? आईपैड 2% चार्ज ऑफ हो जाएगा यार, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना खुद से, मैं बता तो दे रहा हूं कैसे करना है। देखो मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा था, 1 > √2 - 2 √3। ये सिंपल हो जा रहा है, ये तो बहुत सिंपल है, सीधा ही हो जा रहा है। इसमें इतना पास का नंबर बना नहीं है, बिल्कुल करीब का नंबर होता है ना तो अच्छा होता है। नेक्स्ट क्लास में कोई करीब का नंबर ले करेंगे, करना उसमें भी स्क्वायरिंग से ही होता है। हाँ मुझे एक और चीज सोचा था, मैं करा दूंगा, कंपैरिजन हो गया। चलो ठीक है, आप कॉपी कर लो यार, इतना कॉपी कर लिए क्या? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया रे, अरे 30 11 जा, 12 12 जा, नहीं समझे? अरे रब करें। हाँ सर, हाँ सर। एक और चीज बता दूं आपको, एलसीएम निकालने आता है कि नहीं आता है? यस सर। एलसीएम ऑफ रैशनल्स एग्जिस्ट, एलसीएम ऑफ सेम टाइप ऑफ इरैशनल्स एग्जिस्ट, एलसीएम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इरैशनल्स नॉट एग्जिस्ट। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं क्योंकि ऑफ हो जाएगा नहीं तो। इतना क्लियर है? ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। नहीं नहीं क्लियर हो सकता है। 2, 3 का एलसीएम क्या होगा? अरे हेलो, 6, 4 का एलसीएम क्या होता है? 2 √2 और 3 √2 का एलसीएम क्या होगा? 6 √2। कोई पाप नहीं, सही है। थर्ड में आओ, √3 और √2 का एलसीएम पॉसिबल नहीं, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? यहां तक क्लियर है? हाँ सर, है ना। इसी में एक और एग्जांपल देता हूं, 2 और π का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन सोच के आना नेक्स्ट क्लास में। रीजन, बेसिक डेफिनेशन एलसीएम की क्या होती है? दो नंबर्स का 6 और 4 का एलसीएम 12 है, क्यों? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अंग्रेजी ना बोलो यार, बेसिक मतलब डेफिनेशन के क्यों है? हाउ उसके प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि दोनों के टेबल में आते हैं, दोनों के इसमें कॉमन है, दोनों के सिस्टम में कॉमन है। ये बात चमकती है? हाँ सर, दोनों के। आप ऐसे सोच सकते हो, 6 लेंथ का स्केल 4 लेंथ का स्केल आपस में रखा गया। ये देखो, ये 6 लेंथ का स्केल, ये 4 लेंथ का स्केल, आपस में स्टार्टिंग पॉइंट सेम कराकर रखा गया, ठीक है? अब 6 का लेंथ गया, 4 का लेंथ गया, तो कितनी बार में, पहली बार वाप, एक बार जो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखा है, वापस कब मिलेंगे वो? जब 6 के 2 स्केल हो जाए और 4 के 3।
लेकिन रूट थ्री रूट टू में प्रॉब्लम क्या है? इरेशनल है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो कभी भी रूट थ्री और रूट टू का जो स्केल होगा वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना एक साइट में तो। लेकिन यहां पर क्यों हो जा रहा है? रूट टू का स्केल, रूट टू का स्केल जब जैसा भी होगा तो एक टाइम पे एक ही ना। हाँ सर, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो कभी भी सेम टाइम पे मिल नहीं पाएंगे। ये बात चमकती है क्या? नेक्स्ट क्लास में यही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर।